दावेदार तो एक नहीं तीन तीन हैं यहां पर कुर्सी किसकी होगी या गद्दी किसकी होगी सीजन 3 में, ये तो हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप तीनों का तहे दिल से स्वागत है और यहां तो माहौल सच में बेहद गर्म हो गया है। कौन करेगा मिर्जापुर पर राज, ये है सबसे बड़ा सवाल। तीन दावेदार इधर पर हैं, तो चलिए हो जाए फिर बाहुबलियों का आमना सामना आज की बैठक में। और उसके लिए मैं विजय आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यहां पर मेरे बगल में आके खड़े हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन यार, तीन दावेदार इस गद्दी के। अच्छा लगा ट्रेलर? नहीं अच्छा, सही है ना भाई? अच्छी तो बर्फी भी होती है, ट्रेलर दमदार है। रट के आया तू ट्रेलर? फुल पावर। वेल, इस बैठक में बकैती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब माहौल बना है तो इसमें थोड़ा और ड्रामा और तड़का ऐड करने के लिए बुलाते हैं मंच पर बीना त्रिपाठी और गोलू को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस रसिका दुग्गल एंड श्वेता त्रिपाठी शर्मा। स्वागत है आप दोनों का, शानदार एक्टर्स। मैं कहूंगा कि मिर्जापुर की गद्दी के विमेन कंटेंडर्स, कितना महत्वपूर्ण है आज का ये दिन एंड कितने एक्साइटेड है सीजन 3 के लिए? तो फैन से भी ज्यादा एक्साइटेड है शायद, और बहुत टाइम से गद्दी को आए कर रहे हैं, शायद इस सीजन मामला जम जाए। आपके तो दोनों के अलग अलग लेयर्स हमने हर सीजन देखे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। गोलू प्लीज। आई कैन नॉट वेट टू स्टार्ट द हैशटैग MS34। डोंट पुट दोस आइडियाज, प्लीज डोंट। पहले देख लो ये वाला। Well, you know, generally it says ke the man of few words or the woman of few words who nailed it right, wishing you the best. Thank you. Well, सही बोले हैं दोनों, पर थोड़ा धीरज रखिए। इस भौकाल के बीच में प्यार भी तो जरूरी है, तो चलिए बुलाते हैं। हमने सीजन 2 में देखा था ना, एक और लव स्टोरी पनपी थी रॉबिन और डिम्पी की भी, तो उनके बिना तो कहानी कैसे आगे बढ़ सकती है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हर्षिता गौड़, प्रियांशु पेन्युली, और उनके साथ आ रही है डिम्पी की मम्मी शिवा चड्डा। यस, ओ ये भी हो रहा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। रॉबिन ने घर पे अच्छी सेटिंग कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल, जाइए आप सब भी उधर ही चले जाइए, है ना? ध्यान रख रहे हैं फैमिली का यहाँ पे। वेल, भौकाल तो यही मचने वाला है, गर्दा कटने वाला है, पर्दा फटने वाला है, लगता है बवाल होने वाला है, क्योंकि बात हो रही है जंगल के हलचल की। और इस जंगल में लगता है घायल शेर, जानते हो ना, लौट आया है। दावेदार भी यहां है और उनके शुभचिंतक भी, जनता भी है और हमारे मीडिया के दोस्त भी, तो देर किस बात की। चलिए बैठक शुरू करते हैं। बात अगर मिर्जापुर के गद्दी की हो रही है तो हमारा होना भी जरूरी है, क्योंकि अंतिम निर्णय तो हमारा ही होगा। द प्रोड्यूसर ऑफ द शो एंड द फाउंडर ऑफ एक्सेल एंटरटेनमेंट, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फरहान अख्तर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड विशिंग द बेस्ट फॉर सीजन 3 ऑफ मिर्जापुर। थैंक यू। काफी सारे सवाल है, पर सबसे पहले निखिल, प्राइम वीडियो इज कमिटेड टू रेजिंग द बार ऑफ इमर्सिव एंटरटेनमेंट एवरी शो और मूवी दैट इट लॉन्चेस। नाउ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फाइनली द न्यू सीजन ऑफ मिर्जापुर, जिसका हम सब वेट कर रहे थे इन कोलैबोरेशन विद एक्सेल एंटरटेनमेंट, इज ऑल सेट टू टेक द नेशन बाय स्टॉर्म अगले महीने की 5 तारीख को। व्हाट वेंट बिहाइंड making it as the most popular and successful entertainment franchise in the journey of Prime Video? And also, ये एक और एक बात है कि how do you deal with the pressure of, you know, कि ये quality पे quality hit, season दर season दे रहे हैं? Thank you for those questions. यार, success हम नहीं बनाते हैं, success आप audience बनाते हो। Trailer कैसे लगी आपको? So make some more noise for the trailer then. Yeah. तो सब जो मेहनत है हमारी क्रिएटिव टीम का है, गुरु जो है यहाँ पर, जो डायरेक्टर्स हैं यहाँ, प्राइम वीडियो की जो टीम है यहाँ, और ये ब्यूटीफुल फैंटास्टिक जो टैलेंट है स्टेज पर आपके सामने, दीज आर द पीपल हु गो आउट देयर एंड मेक द शो फॉर यू टू मेक इट व्हाट इट इज़। वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव दीज पीपल कोलैबोरेट विद अस ऑन द शो। मिर्ज़ापुर ट्रूली इज वन इन अ, इट्स अ फिनोमिनल शो, द वे इट हैज़ मेड अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंसेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछते हैं लाइफ में। एक पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसके बाद पूछते हैं कि
Don 3 कभी आएगी और मिर्जापुर 3 कभी आएगी? These are the questions I get. So really, really happy that it's finally happening. और तीनों सवाल का जवाब हमें मिल गया है यहाँ पर. So thank you, Farhan. Thank you so much. Nikhil, Prime Video, as I said, has been giving us quality hits after hits. There's a lot of pressure, I'm sure, for that. And also your journey through the making of this successful Mirzapur Season 3. Thanks, Sachin, and good afternoon, everyone. You know, Mirzapur is extremely special to us. Firstly, because it comes from XL Entertainment, our closest and longest standing partners. Farhan is here. Thank you, Farhan. But also because when the first show, season of this show launched, it became an overnight sensation and a real source of inspiration for the creative fraternity at large in the country, not just for Amazon. It basically showed the power of what high quality storytelling, engaging storytelling on OTT could do, you know, travel the length and breadth of the country and, you know, give people a new way to entertain themselves and watch stories. So that was really special. And then when the second season launched, within, I think, about the first 7 days, it became the most watched show ever on our service. That's like spectacular. And even today it has viewership in more than 180 countries. But I think the thing that makes Mirzapur the most special is all these iconic characters that the series has created and the incredible fan love that they have. It is absolutely something else. I know all of you know it and feel it. And so more than nervousness, we are really excited. We've been waiting and now it's a 4-year wait. Our viewers have been waiting patiently or impatiently. And it's finally here. Absolutely excited to share it with them. And I think they will really love season 3. So looking forward to that. Thank you so much, Nikhil. And definitely Mirzapur has changed the dynamics of content on Prime Video. And also, you know, for giving, belting out some great content, season on season, series on series. So wishing you the best for this one as well. Thank you. Thank you so much. And I think the conviction and belief Nikhil had is very well conveyed to all of us, to the audiences, as Mirzapur keeps getting bigger, better, har ek season ke saath. And Prime Video has been instrumental in being the game changer. Now, over to Gurmeet and Anand. Main aap dono se sabse pehle shukriya ada karna chahunga, jaise Golu also said, it's, you know, it's here. And we would like to thank you, ki, you know, for bringing back fans' favorite show, our favorite show, Mirzapur. The countdown for Mirzapur Season 3 has begun. And in a matter of few days, aapki mehnat rang lane wali hai. Main aapse janna chahata hoon, what's the feeling like on the excitement barometer? Starting with you, Gurmeet. Well, हर सीज़न के बाद ऐसा लगता है कि अब ये एक्साइटमेंट और ये नर्व्स हमारे कंट्रोल में आ गई हैं और अब फिर से सीज़न रिलीज़ होने वाला है, तो अगर मैं शो की भाषा में बोलूँगा तो बहुत फट रही है और हर बार ऐसे ही होता है. एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जैसे आप सबने बोला, हमारा जो फैंडम है, शो का जो फैंडम है, जो फैंस हैं, वो रिलेंटलेस है. एंड सीज़न 3 की भी थीम वही है, रिलेंटलेस. सो आई होप दे गो आउट एंड एंजॉय इट. आपने जैसे कहा, मैं तो कहूँगा ट्रेलर देखिए, हमारी तो बैंड बज गई इन अ गुड वे दैट वी वांट टू नो मोर. 5 तारीख कब आएगी? आनंद, व्हाट अबाउट यू? वेल, फर्स्टली आई मायसेल्फ एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ मिर्ज़ापुर एंड इमेजिन माय एक्साइटमेंट व्हेन आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम. आई मीन इट्स अ डबल वैमी. एंड सेकेंडली सीइंग ऑल द लव, इट रेंजेस फ्रॉम यू नो गुड विशेस से लेके गाली गलौज सब होता है. वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ लव. सो दैट शोज यू नो हाउ इन्वॉल्व पीपल आर in the whole show and how much they root for all the characters. And what more, I mean, look at the people on stage. I mean, it's like great working with all these set of people. Yeah. Thank you, and wishing you the best for this Thank season. Thank you so much. And now let's move on to Farhan, the unstoppable when it comes to content, delivering massive hits to a global audience. And in simple words, agar saral bhasha mein kahe, to just excelling beyond boundaries. XL Media and Entertainment has had a long-standing association with Prime Video, with series such as Humne Dekhi Made in Heaven, Mirzapur, Inside Edge, and which have returned again. Now, Farhan, what do you think has worked successful, you know, for getting immense success and popularity among the audiences that is back-to-back series after series are coming out, season after season? I can only say it has to be the writing to start with. I think if the writing is not good, nothing is going to work. We live in an age now, agar aapko kuch pasand nahi hai, toh with a click of a button, you can just watch 50 other things. So the writing has to engage you, the characters have to be exciting. And like was just mentioned, I'll repeat that again, with this incredible talent pool that we have on stage and in the show, it's very, very difficult to turn your eyes away. So whether it's this show and the other shows that you mentioned, we've been very fortunate to have been blessed with very, very strong creative teams
who know writing for today's audience, and that's what I would credit them with. Thank you so much. And as you rightly put there, that, you know, it's the writers, it's the people who put behind as well, who work together. It's like a funnel, and that what we see is only the final product, but there are so many people involved. So a big shout out and a round of applause for each and every individual, and especially the writers, for giving us Mirzapur. हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सीजन तीन का. हर गांव शहर में बस यही चर्चे है कि नया भौकाल कब होगा, नया सीजन कब आएगा. वेल थैंक यू सो मच फॉर दोज इनसाइट्स. पंकज जी, एक कालीन भैया, क्या घायल शेर लौट आया है. सीजन टू के अंत में हमने देखा कि कालीन भैया आप पे गोली चली, फिर कैसे आपको शरद भैया ने बचाया, एंड अब तो मुन्ना भी नहीं रहे, तो ये सारा जो है प्लानिंग जो पूरी बदल गई है. तो आपको, आपके बेटे मुन्ना नहीं है, तो ये पावर का जो ड्रास्टिक चेंज है वो कैसे उभर कर आएगा सीजन थ्री में. 5 जुलाई को आएगा. देखेंगे तो पता चलेगा कैसे उभर के आ रहा है. उसके लिए राइटर्स को पे किया गया है, हमने पेमेंट लिया. वो सब अब एक तो खैर देखिए ऐसे ही आएगा, जैसे इधर से आवाज आई है ना. हाँ, वैसे ही उभर के आएगा. अच्छा है, मजेदार है, अच्छी राइटिंग है, राइटरों का क्रेडिट है. थैंक यू. ट्रेलर से तो हमको थोड़ी झलक मिल गई कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आपसे जानते हैं आपके किरदार के बारे में. किरदार के बारे में मुझे लाइनें लिख के दी गई और गुरु ने बोला बोल दो ऐसे, गुरु उधर हैं और बाबा कैमरे पे थे, वहाँ बैठे हैं हमारे DOP. तो हम तो पपेट हैं कि मास्टर ये लोग हैं, जैसा करवाते हैं करके आ जाते हैं. परमात्मा करवा रहे हैं सब, चलिए ये लोग भी नहीं करवा रहे. ये कठपुतली का खेल हमें बहुत पसंद है पंकज जी. एंड चलिए तो शुक्ला जी, शरद भैया आपसे बात करते हैं. शरद भैया, आपने कालीन भैया की जान बचाई सीजन टू के आखिर में, क्या इस सीजन में आप और कालीन भैया कुछ बड़ा प्लानिंग, बवाल प्लानिंग कर रहे हैं. बहुत ही चुन के आपने सवाल निकाला है, यही एक स्पॉइलर है. लेकिन हाँ, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं साथ में, अकेले में. और एक्चुअली इस चीज़ का जो सार है वो एक लाइन है जो ट्रेलर में भी है, कि इस बार पूर्वांचल में वो करवाएंगे जो आज तक उसके इतिहास में नहीं हुआ. तो वो बहुत कुछ एक नयापन है उसमें जो अभी तक हमने नहीं देखा है. अगर हम इन दो किरदारों की भी बात करें तो वो बहुत कुछ एक अलग तरीके से दिखेंगे, जैसा हमने अभी तक मिर्ज़ापुर की दुनिया में नहीं देखा है. मैं और भी पन्ने छानने की कोशिश कर रहा हूँ और बेसब्री से इंतजार रहेगा. गुड्डू भैया, अली, अब Hi. जो है ट्रेलर में हमने सुना कि वायलेंस इज योर USP. नाउ हाउ विल दिस राइवलरी प्ले आउट, स्पेशली सिंस गुड्डू भैया जो है, गुड्डू पंडित, लव्स मेकिंग एनिमीज. नहीं नहीं नहीं, गलत बात. हाँ, मूर्ख है बेचारा, बहुत ही नादान लड़का है. उस स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं जो बनाना चाहते हैं दोस्त बनते नहीं हैं, और जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, तो अकेला रह जाता है वो कभी कभी. तो दुश्मनी हो जाती है. तो सीजन थ्री में क्या आपका कौन सा रूप देखने मिलेगा? कुछ रसों से खेला है, देखिएगा. है अलग है. Layers. We look forward to every character's had layers through the season, man. Every season. That's the go-to thing every actor will say yeah. in an interview. There are lots of layers. I mean, we, you know, hopefully, we've tried to make sense of the lines. Pankaj ji ne jaise kaha, line aur script bahut zaruri hai. My director ka vision bahut zaruri tha. We just fall in place. मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे कुछ और के अंदर spill the beans type करा लूँ. अच्छा, आप character सो. कोशिश. Oh. स्पॉइलर, कल एक और ट्रेलर आ रहा है. अच्छा, गुड्डू से तो रॉबिन से आते, रॉबिन तो पूरी खबर रखता है ना, सबकी सब पे नजरें गड़ाए रहता है, सब पे ऐसे अपनी चालू रहती है उसकी हॉकआइज. तो रॉबिन रॉबिन ठीक रहते हैं हमेशा. हाँ ठीक, पर हमने देखा है कि वो गुड्डू पंडित पे जासूसी करते रहते हैं हमेशा. सो रॉबिन, पहले तो ये जानना चाहते हैं आप किस साइड पे हैं, और रॉबिन के दिमाग में सीजन थ्री में क्या चल रहा है? साइड पे हैं तो इस साइड में, मतलब गुड्डू भैया से तो थोड़ा दूर ही रहते हैं हम,
और क्या चल रहा है दिमाग में इस बार? मुझे लगता है दिमाग से ज़्यादा दिल चल रहा है, तो आप दिल के धक धक देखोगे, बहुत सारी धक धक चीज़ें होने वाली हैं। और मैं सबको बस यही कह रहा हूँ कि दिल बहुत थाम के बैठना, बहुत धक धक वाली, चाहे वो सस्पेंस हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मसाला हो, जो भी हो, बहुत दिल थाम के बैठना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और ज़्यादा कह नहीं सकते। ये तो बस जब मैंने कहानी सुनी थी तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि मैं बस खुद ही गुरु से इनसे जब बात कर रहा था तो पूछा था, अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा ये भी होने वाला है, क्या बात करो, अच्छा ये भी हो रहा है इस बार, चलो ये भी ठीक है। सीजन 3 में रॉबिन का रॉबिन हुड होने वाला है। मुझे तो बस रॉबिन की मम्मी से मिलना है। मुझे भी एक्चुअली कौन यार ये रॉबिन की मम्मी, मुझे भी मिलना चाहिए एक्चुअली। या गुड क्वेश्चन कि रॉबिन की मम्मी है कहाँ, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट, आप में से कोई भी रॉबिन की मम्मी हो सकती है। पर मम्मी की नजर है हम सब पे। सॉरी मैं कह रहा हूँ मम्मी की नजर है हम सब पे। अच्छा आशीर्वाद है मम्मी का। वेल रॉबिन की तरह भरत त्यागी एंड शत्रुघ्न त्यागी ने भी काफी सारे सवाल छोड़े हैं, स्पेशली जो हमने सीन देखा। पहले तो ये बताओ आप बड़े हो या छोटे? मुझ में बड़ा और छोटा दोनों है। अलीज लाफ जस्ट नेल्ड इट। बट दिस बड़े छोटे क्वेश्चन जो है ना इजी अलाइव। लास्ट नाइट यू नो वी वेंट ऑन टू द एंटायर रेडिट थ्रेड ऑफ कंस्पिरेसी थियोरीज एंड इट्स किलिंग ईच वन ऑफ अस कि आपकी रणनीति क्या होगी सीजन 3 में। रणनीति तो मैं बोलूंगा नहीं तो मजा चला जाएगा, लेकिन बहुत बुरा हुआ है त्यागी परिवार के साथ, बहुत कुछ बुरा हुआ है। उनका कुछ लेना देना था नहीं मिर्जापुर से, लेकिन अब लेना और देना दोनों पड़ेगा, तो वो आएगा। रिवेंज इज द मेन थीम, तो उसी के रंग रूप देखने को मिलेंगे। और प्यार बेशुमार। ओए ओए आए आए। Guru, my next question is exactly to you. Okay, we've seen you as an intelligent college-going girl in season 1. Then in season 2, that budding gangster. What's in store in season 3? And what can the audience expect from her? That you know that she's at the top of her game. And I have to compliment you. The different layers that you've shown are commendable. Thank you. मेरे ख्याल से गोलू season 1 में रसगुल्ला थी, season 2 में आग बबूला, और season 3 में बम का गोला और बटाटा वड़ा। वो श्वेता इस सब के बीच में वो बटाटा वड़ा भी थी। सॉरी बटाटा वड़ा, मैं सोशल मीडिया हैंडल्स बटाटा वड़ा। ओके आई वाज लाइक गोइंग टू टॉक अबाउट योर डाइट फ्रॉम season 1, सो आई वाज वंडरिंग। But Golu, I also have to compliment you on the futuristic look that you've got today. Pretty cool. This is Golu in a parallel universe. So all the looks that I'm doing for Mirzapur Promotions, because Golu is so much fun. I absolutely love her. So just enjoying that. Series में हमने देखा monosyllables में जवाब देती है, but in real life you are full pataka when it comes to answering. So thank you so much for being you. And Harshita, Timpi Pandit. You've been fearless through and through in both the seasons. Now, will we get to see more of Dimpi Pandit and her brave character in season 3? And please, spill some beans. Brave, I can say yes. Just that gun nahi uthai usne abhi tak. But of course, season 3 mein to it's kaafi testing times. Aur pyar ke liye to aankh ke dariye se guzarna padta hi hai. To season 3 mein bhi kuch ऐसा ही है, बट आई थिंक मेरे साथ जब तक रॉबिन है तब तक सब कुछ ये भी ठीक है। प्लीज हाँ आप तो रहने ही दो, हमें आपकी आपको हमारी जरूरत नहीं है। Your fashion statement is what I want to have a separate chat on. Just like I'm a fan, man. Thanks. थैंक यू डिम्पी। और रॉबिन वहां से जिस तरीके से आपसे प्यार से देख रहा था, इस प्यार से आपकी तरफ ना देखो। अच्छा ये भी ठीक है, ये तो रॉबिन का खेल है, पता नहीं क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है। बट थैंक यू डिम्पी एंड विश यू द बेस्ट। शिवा जी, वसुधा पंडित जी, और कितना वेट करवाओगी आप? काफी मुश्किल हो रही है यहाँ पर इनसे उगलवाना बहुत कुछ। आप दीजिए, क्या भौकाल मचेगा season 3 में, कितना भौकाल मचेगा? नहीं उतने तो पैसे नहीं दे रहे कि मैं सच बोल दूं।
तो वो नहीं बता सकते, बट आप लोगों ने ट्रेलर देखा ही है, मैंने आज पहली बार देखा है और माशाल्लाह क्या ही ट्रेलर है यार. तो वैसा सही है सीजन 3, और इंतजार का तो क्या है, इतना टाइम कर लिया, इंतजार थोड़ा और झेल लो यार, है ना. जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सब्र का फल मीठा होता है, ये धमाकेदार और शानदार होगा. सब्र का फल मिर्जापुर सीजन 3 होता है. Yeah, like it, Anjum. Thank you and wish you the best again. Thank you so much. Rasika, आप एक वाइटल गेम चेंजर रही हैं दोनों सीजन में, एंड अब तो काइंड ऑफ त्रिपाठी फैमिली इज आउट ऑफ द पिक्चर एट द एंड ऑफ सीजन 2. एक नया राजा इज ऑन द राइज कह रहे हैं, तो क्या ये बीना के कैरेक्टर के लिए ये क्या एग्जैक्ट मायने रखता है ये चेंज? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट बीना वांट्स यू टू थिंक. मे बी देयर इज अ रानी ऑन द राइज, राजा ऑन द त्रिपाठी फैमिली ओन्स मिर्जापुर यार, इतनी जल्दी आप उनको निकाल नहीं सकते. अखंडा है, मुन्ना है, तो लल्ला त्रिपाठी भी हैं और बीना त्रिपाठी भी हैं. तो बस हम अपने अलायंसेस बना रहे हैं और अलायंसेस को उतनी जल्दी तोड़ भी रहे हैं, देखते क्या होता है. और आपने आपके किरदार को बखूबी निभाया है टू एवरी अलायंस दैट यू, बिकॉज एवरी टाइम यू जस्ट वंडरिंग अब नया क्या होगा, एंड दैट इज अ हुक फॉर अस. सो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू, नॉट जस्ट यू बट एवरीबॉडी हु इज हियर. वेल, हम सुन रहे हैं नसब, ये तो एक केवल झलक आज हमने देखी है, क्या लगता है आपको गद्दी किसको मिलेगी? कालीन भैया तो घायल है, शरद शुक्ला ने बचा दिया उन्हें, लेकिन गुड्डू पंडित अभी भी हैं और त्यागी जी ने भी दावा ठोक दिया है और शरद भैया तो अपने गेम के साथ हैं ही हैं, तो पता नहीं कौन दावेदार. बट एक और पेचीदा यहां पर एक गुगली फेंकी है जो है रसिका ने, सो वी वेट फॉर दैट. सो लॉट ऑफ थिंग्स, देयर कुड बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सो यू नेवर नो गद्दी किसकी. बट असली गद्दी का हकदार कौन होगा ये तो हम 5 तारीख को ही पता करेंगे. जैसे कालीन भाई ने शुरुआत में ही कहा था कि भाई 5 तारीख तक वेट करो, प्राइम वीडियो पर, सिर्फ प्राइम वीडियो पर देखने मिलेगा. सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन.